भी दिखाई दूंगी यहाँ पे किडनी टाइप का रूम मिलता है। आप तो बताया था ना, सुनता ही नहीं है कोई। आपने बचपन में वाला एड तो सुना ही होगा, सफाई भी शॉपिंग भी वही मेरा हाल हो गया लंदन का। पर तो लिखा है कि आप बिना मास्क के अंदर बड़ी ठंड लग रही है मुझे, तो चाय बना लेती हूँ। गॉड दूध भी नहीं है, बार कहा है कि एक दो एक्स्ट्रा बोतल लेके आए पर नहीं लाना है, सुनना ही नहीं है इनको, तो क्या करूंगी अब, मुझे ही लेने जाना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि दूध लेने जा रही हूँ, तो आप लोगों को भी दिखाई दूंगी यहाँ पे किडनी टाइप का दूध मिलता है, तो मिलती हूँ आपसे शॉप में। आ तो गई हूँ घर से बाहर, दूध लेने जाना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि बताया था ना सुनता ही नहीं है कोई मेरी। यहाँ पे आपने बचपन में वाला ऐड तो सुना ही होगा, सफाई भी शॉपिंग भी वही मेरा हाल हो गया है लंदन में आके, सारा काम मुझे करना पड़ता है। इवन कैन यू बिलीव मुझे आटा भी लाना पड़ता है यहाँ पे, इंडिया में कौन सी लेडीज आटा लेने जाती है बताइए। तो चलिए शॉप में मिलती हूँ मैं आपको, और थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशंस भी कहते हैं, चलिए वहाँ पे मिलते हैं। तो मैं अब जा रही हूँ शॉप के अंदर, और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आप बिना मास्क के अंदर नहीं जा सकते, एंड प्लीज कीप अ सेफ डिस्टेंस 2 मीटर्स। तो मैं लगा लेती हूँ मास्क और चलते हैं शॉप के अंदर। चलिए तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का क्लीनिंग स्टेशन। देखिए यहाँ पे अपने बास्केट को क्लीन करने के लिए सब कुछ अवेलेबल है, हैंड क्लीन करने के लिए भी सब कुछ अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे बास्केट क्लीन कर लेती हूँ। तो ये जो जगह है लिखा हुआ है यहाँ पे बास्केट क्लीनिंग के लिए है। देखिए यहाँ छोटे साइज के भी मिल्क हैं जिनका प्राइस सेम ही है, बल्कि कॉस्टली है, 1 pound 10 pence। एंड ये वाला दूध मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, ये गोल्डन कैप वाला, इसका मैं खीरी बनाती हूँ, तो आज मुझे यूज़ नहीं करना तो मैं नहीं ले रही हूँ ये। तो मैं ले लेती हूँ अपने स्किम्ड मिल्क, यही वाला मुझे यूज़ करना है, और ये भी ले लेती हूँ, ये आप लोगों को दिखा दूँगी मैं। एंड एक होल मिल्क भी ले लेती हूँ। ओके दैट्स इनफ, तो मैंने ये ले ली हैं, चलिए चलते हैं आगे बस। तो गाइज लंदन में एक और चीज़ बहुत सस्ती है, देख रहे हैं आप क्या ये। तो अगर आप इसके भी शौकीन हैं तो ये भी इंडिया से कंपेयर में अच्छी ब्रांड वाले सही प्राइस में मिल जाते हैं, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। और कोई फाउंडेशन भी नहीं है लेने में, यहाँ पे हर शॉप में ओपनली रखी रहती हैं बियर एंड वाइन, तो आप ले सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, पूरा एक सेक्शन भरा हुआ है। गाइज मैं आ गई हूँ मार्केट से, बड़ी ठंड है, मैंने चाय भी पी लिया, देख सकते हैं मफलर पहन रखा है, अभी भी ठंड लग रही है बाहर से आके। तो मैं यहाँ पे दूध भी ले आई हूँ, तो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे किस टाइप से दूध मिलते हैं और इनका प्राइस क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास 3 टाइप के दूध रखे हुए हैं, जिनका कलर भी आपको दिख रहा होगा, रेड ग्रीन एंड ब्लू। तो मैं आपको बताती हूँ, तो ये है होल मिल्क जो है 2 लीटर का, जिसका प्राइस लगभग हमें 1 pound मिल जाता है। तो इसे मैं स्टार्टिंग में यूज़ करती थी, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ठीक लगता था, और लोगों ने बता दिया थोड़ा सा ज़्यादा फैटी है, तो मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हूँ। तो मैंने इसको पीना बंद कर दिया और बेटे को भी देना बंद कर दिया। तो अब मैं ये वाला दूध यूज़ करती हूँ, तो इसके बारे में बाद में बताती हूँ। और ये है स्किम्ड मिल्क, जो बिल्कुल पानी की तरह होता है, इसमें तो टेस्ट ही नहीं लगता है मुझे, मैं हस्बैंड को देती हूँ थोड़ा उनको फिट बनाने के लिए।
तो इसका प्राइस भी होता है यहाँ पे 1 pound लगभग, और इसका लीटर मैं बता देती हूँ, ये 2 liter का होता है, जो छोटी बोतल ये रखी हुई है दोनों ही 2 liter की हैं। एंड जो ग्रीन मिल्क है इसका, ये है 3.5 liter का, इसका प्राइस है 1.5 pound। तो क्वालिटी चाहे आप कैसी भी ले लें लेकिन प्राइस लगभग सेम ही पड़ जाता है। आप इसका भी ये वाला साइज लेंगे, इसका ये वाला साइज लेंगे ग्रीन बोतल वाला, प्राइस लगभग सेम पड़ेगा, ज़्यादा फर्क नहीं है उसमें। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दूध का प्राइस क्या है और किस टाइप के दूध मिलते हैं। और जैसा कि मैंने आपको शॉप में भी एक दूध दिखाया था जिसका गोल्डन कलर का कैप था, तो वो स्पेशली मैं खीर बनाने के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिक लगता है मुझे, उसकी खीर लेकिन बहुत टेस्टी बनती है। मैं लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें गौर से देखिएगा, मैंने वही दूध यूज़ किया है, तो वो मैं यूज़ नहीं करती, इसलिए मैं लाई भी नहीं हूँ अभी उसको। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत चीप हैं और दूध भी बहुत चीप है, सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पे सस्ती मिलती है। तो अगर आप थोड़ी सी कंजूसी से रहना चाहते हैं यहाँ पर आके, तो बस दूध ही पीते जाइए, पेट भर लीजिए दूध से, क्योंकि दूध यहाँ बहुत सस्ता है। और तो कुछ भी चीज़, इवन सुई भी लेने जाओगे ना तो बहुत, मुझे तो कॉस्टली लगती है इंडिया से। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे ही आपको वीडियो देखने हैं या लंदन से रिलेटेड किसी चीज़ पर आपको वीडियो देखना है, तो प्लीज़ मुझे सजेशन ज़रूर दीजिएगा, एंड मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करेगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। 갑자기 내게 나타나준 너 난